अभी बढ़ाओ, गन्ने का बकाया भुगतान करो, आज करो अभी करो, गन्ने का बकाया भुगतान करो, आज करो अभी करो, किसानों का सम्मान करो, आज करो सम्मान करो, कृषकों का सम्मान करो। विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद कांग्रेस में आर एस चौहान से बात करेंगे। सर, गन्ने समर्थन मूल्य को लेकर के आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या वजह कि जिस तरह पिछले साल की तरह ही गन्ने का समर्थन मूल्य था इस बार भी रखा गया है, इससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है? किसानों को बहुत उम्मीद थी सरकार कि हमारे गन्ने के फसलों के दाम बढ़ाए, क्योंकि सरकार ने चुनाव में वादे किए थे कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन एक साल में उद्योगपतियों की जितनी चीजें हैं उनके सबके दाम बढ़े, केवल अगर दाम नहीं बढ़े तो गन्ने के दाम बढ़े, क्योंकि पिछले साल 345 और 355 का रेट था, वही रेट अब के घोषित किया गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि जो उर्वरक 1200 रुपए का था वो 800 कुछ रुपए का कटता है, जो डीजल का रेट जो 85 रुपए था वो 92-93 रुपए है, जो ट्रैक्टर 6.5 लाख का था वो आज 7.5 लाख का है, जो इम्प्लीमेंट 50,000 में मिलता था वो 75,000 का है, हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल अगर कुछ चीज नहीं बढ़ी तो वो किसान की फसल के दाम नहीं बढ़े। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब उसके दाम नहीं बढ़े तो आपको किस माध्यम से कहना चाहते हैं कि उसकी फसल के उसकी आय हम दुगनी करेंगे? आज हमारा किसान अन्नदाता कहते हैं, कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज दुखी है और वो उसी की पीड़ा को लेकर हमारे सदन में हमने स्थगन लगाया। और इसके अलावा बात करते हैं तो प्रदेश की खासकर किसानों को तमाम अन्य दिक्कतें भी, गन्ना मूल्य के अलावा किसानों को परेशानी होती है। हालांकि केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय बजट हुआ पेश किया था उसमें तमाम व्यवस्था करने की बात की, हल किसानों के लिए इसको अक्सर देखते हैं। किसान के लिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, किसान जुमलेबाजी की सरकार है, इन्होंने जुमलों में बहुत माहिर है, लेकिन किसान के लिए कोई ऐसी कोई छूट योजना नहीं है कि जिससे उसकी आय बढ़ सके, चाहे वो केंद्र का बजट हो चाहे इसका। अभी भाषण में हमने देखा किसान के लिए कोई ऐसी योजना नहीं जो राज्यपाल के भाषण में जिससे किसान को उसका लाभ आदेश चौहान का साफ तौर पर कहना कि फिलहाल जो सरकार है वह कोई भी व्यवस्था नहीं करेगी और गन्ना किसानों की जो रेट तय की गई एमएसपी तय की गई थी वह पिछले साल की तरह ही तय किया गया, जबकि इसको बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि लगातार जो अन्य उर्वरकों की कीमत हो या फिर अन्य खर्चों की कीमत हो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोहित सोनी, ईटीवी भारत, गैटसन।